16 माला करना चाहिए। कितनी बारी? हरे कृष्ण। मैं 1999 की बात बता रहा हूँ, 28 दिसंबर 1999। हमारे यात्रा लीडर थे, मैं दोहा कतार में था विदेश में, कृष्ण कथा देश जगह का नाम है, आध्यात्मिक नाम। तो यात्रा लीडर ने कहा कि महाराज कोलकाता से फ्लाइट में बैठ चुके हैं और यहाँ पहुँचने वाले, तो एक मीटिंग है, जल्दी सबको पहुँचना है। तो हम लोग सब थे वहाँ, पहुँचे उधर उनके घर पे, वहाँ मंदिर नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी है तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन से, तो घर पे ही किसी का बड़ा विला जो यात्रा लीडर, तो उनके यहाँ पर ही प्रोग्राम होते, तो सब मीटिंग के लिए वहाँ पहुँचे भक्त लोग। तो पता लगा कि महाराज 2 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे सुबह, 2 जनवरी को, 28 तारीख को निकल चुके हैं दोहा के लिए, लेकिन पहुँचेंगे 2 को। अरे जब 5 घंटे की फ्लाइट है तो 5 दिन क्या करेंगे रास्ते में? बोले नहीं, वो महाराज की बुकिंग का स्टाइल ऐसा होता है टिकट का कि जहाँ भी हॉपिंग की ऑप्शन होती है, बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ फ्लाइट हॉप होती है वो वाली फ्लाइट लेते हैं, ताकि भक्तों को जगह जगह सबको मिलते हुए, कहीं आधा दिन, कहीं 6 घंटा, कहीं 10 घंटा, सब मिलते हुए फिर वहाँ पहुँचे। कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भी ऐसी खराब से खराब एयरलाइन हो जो बहुत जगह हॉप करती है, तो महाराज ने बांग्लादेश एयरलाइंस का टिकट बुक किया था, तो कोलकाता से पहले गई ढाका, ढाका से गई सिंगापुर, सिंगापुर से मलेशिया, और फिर 5वें दिन पहुंची दोहा एट द सेम कॉस्ट, और मेरे ख्याल से 10,000 भक्तों को उसमें महाराज मिल करके आया। महाराज की तो 2 तारीख को सुबह 8 बजे फ्लाइट में पहुंचना था, तो पीछे से सब यहाँ कि अब बस अब महाराज आएंगे और भागवत की कथा देंगे, सब करेंगे। तो इतनी देर में फैक्स मैसेज आ गया जो पिछली कंट्री में जहाँ से महाराज चले थे, कि फ्लाइट लेट हो गई है महाराज की, लेकिन महाराज पिछले 3 दिन से सो ही नहीं है, तो प्लीज़ आप इंश्योर करें कि महाराज रेस्ट करें। हमारे यहाँ पर तो हम बड़ा प्रयास किया लेकिन महाराज ने रेस्ट नहीं किया, लेकिन अब आप कोशिश करें कि महाराज को ज़रूर सुलाएँ जैसे ही आएँ। तो महाराज पहुँचे कोई 10:30 बजे, आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। और विश्वास मानिए कि जिन्होंने महाराज को 2009 से पहले नहीं देखा है, वास्तव में वो विजुलाइज नहीं कर सकता है कि महाराज की क्या उस समय स्थिति होती थी। एकदम जैसे सूर्य चमकता है वैसे महाराज, ऐसा सुंदर सुडौल शरीर। तो मैं पहली बार महाराज के दर्शन किए, 40-50 लोग 60 लोग वहाँ पर थे, सब ने प्रणाम किया, और लगभग 70-80% लोगों से महाराज ने उनका नाम रख रख के पूछा, आप कैसे हैं, हरिणी आप कैसी हो, जो भी माता जी थे, प्रभु जी थे, बच्चे थे, सबको। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज अभी एक बार यहाँ आए हैं। मुझे पता लगा 96 में वहाँ की यात्रा शुरू हुई थी, मैं 99 की बात बता रहा हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज एक बार यहाँ आए हैं तो इतने लोगों का नाम जानते। फिर मैंने उनमें से किसी से पूछा कि आप महाराज से मिलते रहते हैं कभी मायापुर या दाएं बाएं में? बोले नहीं, जीवन में एक ही बार मिला, उसी समय महाराज को नाम बताया था, महाराज को सब याद है किसका नाम क्या है। तो इतनी बड़ी स्मरण रखना, देश में विदेश में हर जगह जाया करते थे महाराज। लेकिन मुझे बड़ा अचंभा हुआ, तो मुझे उसने भक्त ने बोल दिया कि चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा भी नाम रख कर। तो अंदर आए महाराज बैठे, और वास्तव में चेहरे से देखने में लग रहा था कि थके हैं, लेकिन लाइफ नजर आती थी उनके चेहरे में, जैसे जीवन भरा हुआ था, जैसे एकदम आनंद से भरे हुए थे। थके थे क्योंकि 3 दिन से यात्रा में थे, 4 दिन से जहाँ भी जाते थे भक्तों की, मैं यहाँ रूटीन आपको बताऊंगा तो हर जगह वही रूटीन होने वाला आप मान लीजिए। तो महाराज ने आकर के स्नान किया, अब 8 बजे अनाउंस हो गया था कि महाराज पहुंच जाएंगे, उसके बाद आकर के भागवत देंगे। तो भक्त थे, सब वेट कर रहे थे, सब कीर्तन कर रहे थे, लेकिन अब पीछे से फैक्स आ रहा था कि महाराज को रेस्ट कराना है। तो महाराज से पूछा, महाराज भक्तों को भेज दें फिर आप सुबह वाला प्रोग्राम कैंसिल करके, अब दोपहर शाम वाला प्रोग्राम कंटिन्यू करें? बोले नहीं, प्रोग्राम होगा, ऐसे ही होगा, तो महाराज आप रेस्ट। बोले मैं ऐसे ही सो जाऊँगा, इनको कीर्तन करने दो, मैं सो जाऊँगा कीर्तन। और हुआ भी यही,
महाराज ने शायद 15 मिनट आधा घंटा कुछ रेस्ट किया होगा, और कीर्तन खूब चल रहा था बाहर, मतलब बहुत अच्छे से। एक घर में अगर कहीं भी कीर्तन हो रहा होता है तो पूरा घर गूंजता है। हमारे यहाँ तो मृदंग भी बजती है, करताल भी बजती है, जोर जोर से सब नाचते। महाराज ने बोला कुछ कमी करने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है बस ऐसे ही चलता रहने दो, मैं अपने आप विश्राम ले लूंगा। तो महाराज ने कर लिया आराम। उसके बाद जब वहां बाहर आए तो 2 घंटा महाराज ने बहुत जबरदस्त कीर्तन किया। और जब कीर्तन पीक पर पहुंच गया तो फिर वो बैग में से, जैसे अभी बलभद्र प्रभु ने बताया कि इतना बड़ा झांझ निकाला महाराज ने, वो वास्तव में 4-5 किलो का होगा, इससे कम का नहीं। वो उनके साथ बैग में कैरिज में रहता था, एक स्पेशल महाराज का इतना बड़े साइज का वो 2 झांझ महाराज ने। उसके बाद तो फिर जो कीर्तन में रंग आया वो झांझ जैसे महाराज बजाते थे, सब बहुत ऊंचा ऊंचा उछल करके। तो सारा दिन बस इसी तरह से चलता रहा। दोपहर में बंगाली भक्त की, उसके बाद शाम को कुछ बच्चों ने नाटक प्रिपेयर किया था। होते 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 रात हो गई, शाम का प्रोग्राम हुआ, सब हुआ। अब यह था कि अब तो महाराज विश्राम करेंगे ही, लेकिन प्रिय शिष्य होते हैं, महाराज आए हैं तो कोई अपनी बात बताना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मुश्किल होती है, पूछना भी चाहते हैं, परिवार में बच्चों के साथ कई कई तरह की बातें करने की इच्छा होती है, गुरु आए हैं तो गुरु के साथ। तो कम से कम 20-25-30 भक्त महाराज के रूम में 11 बजे बैठ गए आकर। अब मैं तो और आधा घंटा बैठा, पौना घंटा बैठा, फिर उसके बाद तो मैं तो चला गया। जब अगले दिन सुबह मंगला आरती पे पहुंचे तो पता लगा कि महाराज 4:15 बजे सोए। 4:15 बजे अभी मंगला आरती शुरू हुई, वो उससे 10 मिनट पहले सोए। तो महाराज को क्यों नहीं, बोले नहीं नहीं वो महाराज ने जाने ही नहीं दिया। वो भक्त लोग कब गए, जब महाराज ने कभी किसी को नहीं कहा बाप जाओ बस अब मैं सोऊंगा, मुझे आराम करना है। जब बात करते करते मुंह खुल जाता था और आंखें बंद हो जाती थी तब भक्तों को समझ में आया महाराज को सो देना चाहिए, इनको सुला देना चाहिए। तो सुबह 4:15 बजे ईष्ट गोष्ठी चलती रही, किसी की कुछ प्रॉब्लम, कई तरह के 36 के आंकड़े होते हैं भक्तों के, तो वो रात के समय ही सुलझते हैं। महाराज उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये, कई कई बातें होती। तो उसके बाद सुबह महाराज उठकर, महाराज ने बोला था कि मुझे 6 बजे उठा देना, क्योंकि फिर भागवत के लिए उससे पहले मैं वॉक करने जाऊंगा, स्नान करके फिर मैं। तो 6 बजे 3 भक्तों को महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाना था। जैसे वो 6 बजे भक्त आए तो बाहर रूम के और तेज तेज से खर्राटों की आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज तेज। तो उन 3 भक्तों को लगा कि महाराज इतने थके हुए हैं, सो रहे हैं, इसलिए खर्राटों की आवाज़ चल रही है। तो हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जा करके महाराज को जगा दे। तो हुआ क्या था कि रात में एक भक्त को बोला था कि तू महाराज की सेवा के लिए 4:15 बजे बोला था, तू महाराज की सेवा के लिए महाराज के साथ ही नीचे रहना, ताकि अगर कोई जरूरत हो किसी चीज़ की तो फिर महाराज आपको बता देंगे तो उनको मिल जाए। तो हुआ क्या, 10 मिनट और वेट किया, 15 मिनट और वेट किया, फिर उनको लगा कि महाराज के डांटे नहीं कि आपने मुझे समय पर उठाया क्यों नहीं, वॉक नहीं करूँगा तो भी ठीक नहीं है, भागवत पर टाइम पर नहीं आऊँगा तो भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो अंदर क्या देखते हैं कि महाराज तो स्नान करके घूमते हुए अंदर टहल के जप कर रहे हैं और वो भक्त खराटे मार करके सो रहा है। अब इनको क्रोध भी आया कि इनको महाराज की सेवा के लिए यहाँ रखा, तुम खराटे मार रहे हो, तुम्हारे खराटे के कारण सो नहीं पाए सारी रात, मतलब 2 घंटा 2 घंटा मिला। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको उठा देते हैं। तो महाराज ने उनको तो सोया रहने दिया और उसके बाद वॉक करने के लिए, जब वॉक करके वापस आए, फिर वापस 3 घंटे का कीर्तन और क्लास, दोपहर में दीक्षा और उसके बाद मेल का रिप्लाई करना करना सब करना। और 4 बजे की महाराज की फ्लाइट थी शाम की। तो जब 4 बजे की महाराज की फ्लाइट थी तो उससे पहले नजर आ रहा था कि थकान बहुत है, लेकिन अब महाराज तो कुछ 3 दिन थे, 1 दिन और जुड़ गया तो 4 दिन हो गए थे, तो सो ही नहीं। तो महाराज ने इन द मीन टाइम अपनी फ्लाइट बुक की थी अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए, और गल्फ में क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है तो वहाँ पर विजिटिंग के लिए एक होटल में हमने उनका नाम रखा था, बुक किया था, ताकि कोई इस तरह की प्रॉब्लम आए तो इंक्वायरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए कि होटल में आए हैं, वहाँ रुके हुए हैं कोई इतना। तो वहाँ पर जब हम
बताने गए तो मेरे साथ जो भक्त गए थे तो उन्होंने लिखा कि महाराज यहाँ से सिंगापुर जा रहे हैं। मैंने पूछा कि सिंगापुर क्यों लिखा है महाराज ने, तो टिकट यूएसए का बुक किया है। बोले नहीं नहीं, वो पहले सिंगापुर में हॉप करेंगे फिर उसके बाद अमेरिका जाएंगे। यहाँ से ईस्ट पड़ता है, यूएसए वेस्ट पड़ता है, हॉपिंग करने के लिए आदमी जिस डायरेक्शन में जाता है वहां पर हॉप करता है ना। लेकिन महाराज की टूरिंग का स्टाइल ऐसा था, जो भी वर्स्ट एयरलाइन होगी पहले अपने स्टेशन पर जाएगी। तो सिंगापुर एयरलाइंस महाराज ने बुक किया कि सिंगापुर जाऊंगा और सिंगापुर में भक्तों से मिल करके फिर उसके बाद में और दो एक स्टेशन लेकर के फिर अमेरिका जाऊंगा। तो ये सब जब हो गया, अब भक्त तो कुछ कर नहीं पाए, महाराज भी यहाँ विश्राम डेढ़ दिन में किया नहीं, तो यहाँ के यात्रा लीडर ने आगे जहाँ महाराज ने जाना था वहां भेज दिया कि महाराज 5 दिन से सोई नहीं है, कृपा करके उनको सुना दीजिएगा। तो वास्तव में प्रचार की कितनी अधिक हृदय में इच्छा, कितनी अधिक मन में भाव लेकर के प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करने के लिए महाराज के आज भी हृदय में इसी तरह की भावना है। तो वास्तव में शिक्षा का एक बहुत सुंदर प्रारूप महाराज पेश कर रहे हैं। जय पिता का महाराज की जय।